चंडीगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 11 में समस्याओं की भरमार है। अर्थ प्रकाश ने आज इस वार्ड के ग्राम दरबार फेज 2, फेज 1 एवं दीप कॉम्प्लेक्स का दौरा करने पर पाया फेज 2 के सामने लगते मकान नंबर 1699 के सामने एवं श्री बीआरडी की बाउंड्री वाले के पीछे गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। और तो और यहां इन कूड़ों के और गंदगियों के ढेरों पर लवारिस पत्तमुंह मारते रहते हैं। और ये सार आलम चंडीगढ़ राम दरबार फेज 2 के मकान नंबर 2437 निवासी एवं कांग्रेस महिला विंग की ब्लॉक अध्यक्ष सरोज वाला गोस्वामी, उपाध्यक्ष चांदनी बिष्ट एवं सदस्य सीता देवी ने बताया कि यहाँ की कई सड़कें इस प्रकार टूटी फूटी है कि इन पर निकलना खतरे एवं दुर्घटनाओं को न्योता देना जैसा है। इसके अलावा इन मकानों के निकट निर्मित एक पार्क के इर्द गिर्द भी गंदगी और अवैध कब्जे किए गए हैं। इसके किनारे लगे पेड़ों की कटिंग भी अभी तक नहीं हो सकी है। इसके चलते इस पार्क में कोई भी समारोह आदि नहीं किया जा सकता। इन महिलाओं ने बताया है कि इन गड्ढों के कारण हर दूसरे तीसरे दिन दुर्घटनाएं होना आम बात है। ऊपर से लावारिस पशु के इधर उधर घूमते रहने से बाहर खड़े बच्चों को कुचलने का खतरा भी बना रहता है। इनका यह भी आरोप है कि गंदगी के चलते यहाँ मक्खी मच्छर फैल रहे हैं जिनसे बीमारियों का फैलने का अंदेशा बना रहता है। ये वार्ड नंबर 11 की जो समस्या है बहुत ज्यादा समस्या है। पहली बात तो हमारे यहाँ पार्क का ही देख लो कितना बुरा हाल है। और जो पानी के लिए सीवरेज बना रखे हैं, जो बरसात का पानी जाता है उसमें ना तो कभी सफाई हुई है ना कभी सफाई करने आते हैं। और हमारे गली का भी देख लो, कभी कोई झाड़ू नहीं लगाने आता है, वो कहते हैं कि झाड़ू लगाने वाले आते हैं, झाड़ू नहीं कोई लगाने आता, इतनी गंदगी पड़ी है। दूसरी बात है कि पेड़ों के लिए मैंने काउंसलर को कितनी दफ़ा कहा, जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो मैंने काउंसलर को बोला कि भी ये ना अपना भी पेड़ हमारे छटाई करवा दो, अभी अभी जागरण होके हटा है। तो वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, यहाँ का काउंसलर है जो। तो पेड़ों की छटाई के लिए भी बोला ना, तो हमारे इसमें पार्क में झूले हैं ना कुर्सियाँ हैं, आप देख रहे हो क्या बुरा हाल होया हुआ, दोनों तरफ थड़ियाँ जो टूटी पड़ी हैं, गंदगी जगह जगह हुई पड़ी है। तो हमारे को बच्चे जो खेलते हैं बच्चों को देखो मच्छर और ये अपना मक्खी बहुत है और इनसे बीमारियां फैल रही हैं, घर घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं और साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ एरिए में। और काउंसलर को हम ना कंप्लेंट दे दे के परेशान हो गए हैं, लेकिन वो कोई मतलब सुनवाई नहीं है उसके पास, काउंसलर के पास। और हमारे पार्क की तो इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पे ना तो कोई पेड़ काटने आते हैं, ना छटाई होती है, कुर्सी झूले कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लोग कैसे बैठेंगे यहाँ पे, एंजॉय कैसे करेंगे बैठ के, ना तो गर्मी में बैठ सकते हैं ना सर्दी में बैठ सकते हैं, हम लोग इतने परेशान हैं हम इस एरिया में। वार्ड 11 के पार्षद भरत कुमार से इन समस्या पर बात, उन्होंने बताया कि दीप कॉम्प्लेक्स और यहाँ की सड़कों के लिए 1.25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित होकर टेंडर भी हो गया है, किंतु यह संभावना तलाशी जा रही है कि क्या सड़कों किनारे रोड गलियां बन सकती है या नहीं, इसके आने वाले समय में क्या एक वर्ष के भीतर यहां पर विकास के सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे या नहीं। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।